तहसील मोट जिला झांसी सहारिया परिवारों के साथ हम लोग जिला कलेक्ट्री में ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे साथ हम लोग परंपरागत आदिवासी जो जंगल के निवासी हैं, हम लोग 20-25 साल से जंगल की ज़मीन में रह रहे हैं। जैसा कि कानून वन अधिनियम 2006 है उसके अंदर हम लोग काबिज हैं। जैसा कि वन अधिनियम की जो समितियाँ बनती हैं, ना तो कलेक्टर की अध्यक्षता में वन कमेटियाँ का गठन किया गया है, ना ही उन पर कोई विचार किया जा रहा है, ना ही उनके आवेदन लगाए जा रहे हैं। अगर आवेदन नहीं लगाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? वन कमेटियाँ नहीं बनी हैं तो क्यों नहीं बनी हैं? ये प्रशासन की लगातार लापरवाही है जिसका खामियाजा आदिवासी परिवारों को भोगना पड़ रहा है और हम लोगों को ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, जिसका हम लोग संरक्षण और जंगलों को रखाने का कार्य करते हैं। उसी ज़मीनों को लगातार उजाड़ा जा रहा है और हम लोगों को ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। हमारे जो आंगन के सामने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, अगर गड्ढों में कहीं हमारे पूरे बच्चे रात बिरात अगर गलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्षति और हानि होने की आशंका है। हम लोग चाहेंगे कि इसका अगर कुछ भी होता है तो हम इसका पूरा प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा।